हेलो डियर व्यूअर्स, अगर आपको एक सीट अलॉट हो गई है, उसके बाद आपने नेक्स्ट काउंसलिंग में नई सीट के लिए अप्लाई किया और आपको नई वाली सीट भी मिल गई है, तो आपको पुरानी वाली सीट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन पुरानी वाली सीट को लेने के लिए आपने फीस पे करी होगी, उस फीस को आपको रिफ़ंड करवाना होता है। तो रिफ़ंड किस तरह से करवाएंगे आप? सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, वहाँ अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ फीस, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे ही आप फीस रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे कि हाँ भाई मैं फ़ीस रिफंड करवाना चाहता हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस वाली सीट जो है छोड़ना चाहता हूँ, तो जैसे आप ये करेंगे तो आपकी सीट ऑटोमेटिकली प्रीवियस वाली वो कैंसिल हो जाएगी। सबसे पहले आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, जिस कोर्स में आपको एडमिशन मिला है या जो सीट मिली है वो जिसको आपने कैंसिल करवाना है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है और ये डिटेल्स सही हों क्योंकि इसी अकाउंट में जो है सारे पैसे आने वाले हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि पासबुक का जो फर्स्ट पेज है उसकी एक फ़ोटो और जो फीस आपने भरी उसकी रिसिप्ट, उसकी फ़ोटो यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड भी करनी है। तो इस तरह से आप फी रिफंड का प्रोसेस जो है स्टार्ट करवा सकते हैं।